हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं लीट कोड के आज की वीडियो। लीट कोड के आज की प्रॉब्लम का नाम है कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम बाइनरी ट्री। ठीक है, इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना अपने को एक रूट गिवन है बाइनरी ट्री की। ठीक है, और अपने को कुछ नहीं करना, अपन को सिंपली उससे एक स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, उस स्ट्रिंग में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? उस स्ट्रिंग में सबसे पहले तो पैरेंथेसिस प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए इंटीजर्स बाइनरी ट्री के। बाइनरी ट्री के इंटीजर्स से इधर मतलब है कि बाइनरी ट्री की जो सारी नोड्स है ना, उन सबकी वैल्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए। अब उन सबकी वैल्यूज कैसे अरेंज होंगे? उन सबकी वैल्यूज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में अरेंज होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को कुछ नहीं, एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, और उसका जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना, उसको अपने को सिंपली एक स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है और स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देना है। अब उस स्ट्रिंग में अपने को थोड़े अलग तरीके से स्टोर करवाना है। ठीक है, जैसे जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले रूट आती है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री आता है और फिर राइट सब ट्री आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो अपनी स्ट्रिंग है ना उसके अंदर बाइनरी ट्री को की रूट को पुश करना है। ठीक है, तो अपन ने वन को पुश किया। ठीक है, उसके बाद अपन लेफ्ट सब ट्री चालू कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अपने को एक ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाना है लेफ्ट सब ट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री की सबसे सबसे पहली वैल्यू क्या है? टू। ठीक है, तो टू आया। ठीक है, उसके बाद टू के लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल हुआ, तो वापस एक ओपनिंग पैरेंथेसिस लगेगा, फोर आएगा। ठीक है, अब टू का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद वन का भी लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया तो वापस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, अब राइट सब ट्री की बारी है। ठीक है, तो उसके बाद एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा, उसके बाद थ्री आएगा, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को बोला गया है कि अपने को मिनिमम पैरेंथेसिस में ये काम करना है। ठीक है, ऐसे तो अपन ये भी कर सकते थे कि अब टू का राइट एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो अपने अपन एक एम्प्टी पैरेंथेसिस मतलब एक ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंपली लगा सकते थे ये डिनोट करने के लिए कि टू का राइट सबट्री है नहीं। ठीक है, जैसे इधर के अलावा है। ठीक है, उसके बाद थ्री जो है उसका लेफ्ट और राइट सबट्री दोनों ही नहीं है, तो अपन दो बार ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा सकते थे ये डिनोट करने के लिए कि लेफ्ट और राइट सबट्री दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने को ये सब नहीं करना है, अपने को मिनिमम पैरेंथेसिस के अंदर ये काम करना है अपना। ठीक है, अब एक और चीज, अपन राइट सब ट्री जब एग्जिस्ट नहीं करता या फिर दोनों जब सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करते तब तो अपन पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे, लेकिन लेकिन अगर अपना लेफ्ट सब ट्री नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे अगर ये जो फोर है ना वो लेफ्ट सब ट्री की जगह टू के राइट सब ट्री में होता, ठीक है, तो अपने को एक ओपनिंग क्लोजिंग मतलब एक एम्प्टी पैरेंथेसिस लगाने पड़ते ये डिनोट करने के लिए कि लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन राइट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर अपन ये नहीं करते ना अब, तो फिर अपन अज्यूम कर लेते बाय डिफॉल्ट कि जो फोर है ना वो राइट में नहीं लेफ्ट में है, क्योंकि उधर एक और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो है ही नहीं, तो फिर अपने को यही लग रहा है ना कि फोर उसका लेफ्ट सब ट्री है, क्योंकि अपन राइट सब ट्री के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है मतलब राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे इस एग्जाम्पल में फोर लेफ्ट की जगह राइट पे लगा हुआ है, तो अपन ने एक ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाए ये डिनोट करने के लिए कि लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी है टू का। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो अपन देख लेते हैं कि इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया इस वाली ट्री का। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं नॉर्मल एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाऊंगी। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, पहले रूट को कॉल करता है, ठीक है, फिर लेफ्ट सब ट्री को कॉल करता है, फिर राइट सब ट्री को कॉल करता है। ठीक है, तो अपन वही करेंगे। ठीक है, तो अपन रूट प्रिंट करेंगे, उसके बाद अपन एक ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर अपन लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करते जाएंगे। ठीक है, जब लेफ्ट सब ट्री खत्म हो जाएगा तो अपन राइट सब ट्री के लिए कॉल करते जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन एक स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, उसके अंदर रूट को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और फिर अब लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपन एक ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि इसके मतलब रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर दो। रूट के लिए, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल किया तो अपनी रूट टू बन चुकी है। ठीक है, तो टू के लिए मतलब अपनी करेंट रूट के लिए अपना एक और स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, एक और स्ट्रिंग बनी, उसके बाद अपना टू कॉल हुआ मतलब अपना इधर एस टू मतलब अपनी जो नई स्ट्रिंग थी वो आएगी। ठीक है, तो अपन इधर एक एस टू लिख देते हैं, एस टू से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी ना वो इधर आएगी। ठीक है, अब एस टू अपना कॉल हुआ मतलब एस टू बना, दूसरी स्ट्रिंग बनी, उसके अंदर अपना अपन ने अपना टू जो अपनी रूट थी वो डाली। ठीक है,
उसके बाद अब टू का भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो अपन ने एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है, और टू के लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया। अब टू के लेफ्ट के लिए जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो इधर आएगी, मतलब अपना जो S3 आएगा, जो अपनी नई स्ट्रिंग बनेगी वो इधर आएगी, ठीक है। अभी क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बोलेंगे कि अपना अब अपना रूट 4 बन चुका है, तो 4 के लिए एक और स्ट्रिंग बनाओ, मतलब S3 बनाओ, ठीक है, उसके अंदर 4 स्टोर करवा दो, ठीक है। तो अपना 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो अपन चेक करेंगे कि लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता तब राइट एग्जिस्ट करता है क्या? अगर लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता होता और सपोज इधर कोई राइट एक और वैल्यू होती, ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक एम्प्टी पैरेंथेसिस लगाओ, ठीक है, मतलब इधर एक एम्प्टी पैरेंथेसिस आते हैं ये डिनोट करने के लिए कि लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन राइट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर अपन रूट के राइट के लिए कॉल कर देते हैं, मतलब इस सब ट्री के राइट के लिए कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो फिर एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आता, और फिर जो S4 अपनी स्ट्रिंग है जो राइट सब ट्री के लिए कॉल होगी, ठीक है, फिर वो आती है, लेकिन अभी अपना ना तो लेफ्ट है ना राइट है, ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है। तो अपना 4 आया, ठीक है, अब इसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसका राइट भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, तो अपन S3 को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न होके किधर, इधर कॉल हुई थी, ठीक है, तो इधर इसकी वैल्यू आएगी, तो S3 की जगह अपन लिख देते हैं 4, ठीक है। तो अपन ना 4 इधर आया, ठीक है, अब अपना 2 का लेफ्ट सबट्री कॉल हो चुका है पूरा, ठीक है, पूरा लेफ्ट सबट्री हो गया इसका 2 का, ठीक है, तो अपन एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देंगे कि 2 का लेफ्ट सबट्री फिनिश हो गया, ठीक है। अब अपन बोलेंगे कि क्या 2 का राइट सबट्री एग्जिस्ट कर रहा है क्या, मतलब अपन चेक करेंगे कि क्या 2 का राइट सबट्री एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 2 के राइट में कुछ वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। अब 2 के राइट में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, तो S2 भी रिटर्न हो जाएगा, S2 का काम भी हो गया। अब S2 इधर कॉल हुआ था, तो ये इधर रिटर्न होके इसकी सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो इधर S2 की जगह क्या आ गया अपना 2, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर 4, और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब ये 1 का भी पूरा लेफ्ट सबट्री कॉल हो चुका है, ठीक है, इसलिए अपन एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देंगे कि 1 का लेफ्ट सबट्री हो गया। अब अपन 1 के राइट के लिए चेक करेंगे कि क्या 1 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हाँ 1 का राइट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, तो अपन ने एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है। उसके बाद अपन ने 1 के राइट के लिए कॉल कर दिया, 1 के राइट के लिए कॉल किया, तो अपनी एक और स्ट्रिंग बनी S4, ठीक है, तो S4 रिटर्न होके इधर आएगी, ठीक है, तो अपनी S4 के अंदर क्या आया 3, सॉरी गाइस S4 है ये, ठीक है, S4 के अंदर अपना क्या आया 3, ठीक है। तो अब अपन ने बोला कि क्या 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फिर अपन चेक करेंगे कि 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या उसी टाइम 3 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इधर कुछ भी कॉल नहीं होगा और ये रिटर्न हो जाएगा अपना S4 की जगह पे जहां से ये कॉल हुआ था, ठीक है, तो इधर अपना S4 की जगह पे आ जाएगा 3, ठीक है, और फिर अपना क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाएगा ये डिनोट करने के लिए कि अपना राइट सबट्री भी कॉल हो चुका है। अब अपनी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि अपनी S1 जो अपनी स्ट्रिंग है उसके अंदर अपनी सारी जो वैल्यूज है वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के फॉर्म में आ चुकी है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के फॉर्म में स्टोर्ड है, अब इसको रिटर्न कर दो, और फिर यही अपना आंसर होगा, ठीक है। अब अपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया, अब अपन एक और केस समझ लेते हैं जब अपना लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन अपना राइट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, तो वो वाला केस चेक करने के लिए अपन दूसरा सब ट्री लेंगे, इधर से ये वाला सब ट्री ले लेते हैं, ठीक है, भाई इसके अंदर, ठीक है। अब अपन इसके लिए ट्रेड करवा के देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी रूट थी, ठीक है, रूट नल नहीं थी, तो अपन ने एक S1 बनाया, उसके अंदर रूट स्टोर करवा दी इसकी। अब अपना जो अपने रूट है उसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था, तो अपन ने एक ओपनिंग पैरेंथेसिस बनाया और रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया। अब सपोज रूट का लेफ्ट जो है वो S2 में आ रहा है, ठीक है, तो अपने रूट के लेफ्ट मतलब अपना जो रूट है S2, रूट है वो S2 में, जो अपना प्रेजेंट रूट है 2 वो S2 में स्टोर हुआ, ठीक है। अब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, पर इसका लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा था
तो अपन ने चेक किया कि इसका लेफ्ट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका राइट भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो हाँ, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन राइट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देंगे ये डिनोट करने के लिए कि रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन रूट के राइट के लिए एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, और फिर अपन रूट के राइट के लिए कॉल कर देंगे। फोर के लिए कॉल हुआ, ठीक है, फिर लेट सपोज फोर की जो भी वैल्यू आएगी ना वो अपनी इधर आएगी S3 में। ठीक है, तो फिर अपन ने S3 स्ट्रिंग बनाई और उसके अंदर अपना जो रूट था मतलब फोर को स्टोर करवा लिया। अब फोर का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, तो अपन ने चेक किया कि क्या फोर का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए अपन ने रिटर्न कर दिया S3 को जहां से वो कॉल हुआ था, इधर से कॉल हुआ था। ठीक है, तो इधर रिटर्न कर दिया, इधर फोर आ गया। ठीक है, फिर अब इधर अपना राइट सब ट्री कॉल हो चुका है, मतलब टू के दोनों सब ट्रीज कॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया। ठीक है, उसके बाद टू का लेफ्ट सब ट्री भी अपन ने देख लिया, टू का राइट सब ट्री भी अपन ने देख लिया, तो अपन क्या टू को भी रिटर्न मतलब इसको भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो S2 के साथ रिटर्न होके क्या क्या वैल्यूज आएंगी अपनी, टू, ठीक है, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद फोर, ठीक है, उसके बाद वापस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और अब वन का भी लेफ्ट सब ट्री कॉल हो चुका है, ये पूरा कॉल हो गया, तो अपन एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि क्या टू का राइट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हाँ टू का राइट एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो अपन एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे अपना। ठीक है, और फिर वन के राइट के लिए कॉल कर देंगे, मतलब रूट के राइट के लिए कॉल कर देंगे। ठीक है, तो सपोज वो S4 में स्टोर हो रहा था, ठीक है, तो S4 रिटर्न होके इधर आएगा। S4 में अपना क्या है, रूट जो है अपनी वो स्टोर होगी, 3 स्टोर हुआ। ठीक है, अब इसका लेफ्ट भी नहीं था, इसका राइट भी नहीं था, ठीक है, तो अपना कुछ भी नहीं आएगा, ये सिंपली रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न होके इधर आया। ठीक है, ये रिटर्न होके इधर आया, उसके बाद इधर 3 आ गया अपना। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया इधर। अब अपना S1 में अपनी सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, अपना पूरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टोर हो गया है। ठीक है, तो अब अपन इसको रिटर्न कर देंगे, और अपन ने ये किया भी मिनिमम पैरेंथेसिस के साथ में, मतलब जो राइट था, ठीक है, इसका जैसे राइट था उसके लिए अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस नहीं लगाया कि इसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाओ, बस अपने अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और उसी टाइम पे राइट एग्जिस्ट कर रहा था तो अपन ने एक पैरेंथेसिस लगाया था। ठीक है, ये अपना आंसर है, ये अपन ने रिटर्न कर दिया। अब अपन देख लेते हैं कि इसका कोड अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको इसके कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने रूट को देखा कि अगर रूट ही नल है तो अपना रिटर्न कर दो। ठीक है, अपना ये एम्प्टी पैरेंथेसिस मतलब अपना एक बस ब्लैंक स्पेस रिटर्न कर दो। ठीक है, नहीं तो मैंने बोला कि अगर अपना रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो अपनी एक स्ट्रिंग बनाओ S नाम की। ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप में अपनी रूट की वैल्यू को स्टोर कर दो। फिर अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपनी स्ट्रिंग के अंदर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड करो और रूट के लेफ्ट के लिए कॉल करते जाओ। ठीक है, रूट का लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, जैसे अब वन और ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गए थे अपनी स्ट्रिंग S के अंदर। ठीक है, उसके बाद रूट के लेफ्ट के लिए मतलब टू के लिए कॉल हुआ। ठीक है, तो टू के लिए कॉल हुआ, टू अपनी रूट बन गई है, अपनी रूट नल नहीं है। ठीक है, तो अपन एक और स्ट्रिंग बनाएंगे S नाम की। ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप में टू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब टू का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अपन ने चेक किया कि क्या उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है। अब लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन ने स्ट्रिंग में एक एम्प्टी पैरेंथेसिस ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब अपना क्या बन गया है, टू वाली स्ट्रिंग में टू, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लेफ्ट वाले के लिए। ठीक है, अब रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपन ने एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाए रूट के राइट के लिए। ठीक है, तो अपना कैट टू, फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और फिर वापस ओपनिंग पैरेंथेसिस, और फिर अपन ने रूट के राइट के लिए कॉल कर दिया। अपने रूट का राइट क्या है, फोर, तो अपना रूट बन गया जो। ठीक है, उसके बाद अपना रूट नल नहीं है। ठीक है, तो अपने एक और स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर फोर स्टोर करवा देंगे। अब फोर का लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अपन रिटर्न कर देंगे इसको। ठीक है, रिटर्न होके ये कहाँ आएगी, इधर आएगी। ठीक है, टू के पास, तब टू में क्या हो जाएगा, टू, फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस के साथ में फोर, और फिर वापस इधर ऐड हो जाएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है,
अब 2 के लेफ्ट के लिए भी कॉल हो गया, 2 के राइट के लिए भी कॉल हो गया, तो 2 भी रिटर्न हो जाएगा, मतलब अपनी वापस एस रिटर्न हो जाएगी। एस रिटर्न होके कहाँ आएगी, इधर, ठीक है। तो फिर 1, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस में 2, फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस 4, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है। मतलब अपनी बड़ी स्ट्रिंग बन गई। अब अपना पूरा 1 के लेफ्ट सबट्री के लिए कॉल हो चुका है, तो अपन एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या अब अपना रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था, तो अपन इस वाली कंडीशन में, मतलब एल्स इफ में तो जाएंगे नहीं, ठीक है। फिर अपन वापस इफ में गए, ठीक है। तो अपना रूट का राइट भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो अपन ने स्ट्रिंग के अंदर एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश किया, फिर अपन ने बोला कि रूट के राइट के लिए कॉल कर दो, तो 3 के लिए कॉल हुआ। 3 भी नल नहीं है, ठीक है। तो 3 को एक और स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा दो, स्ट्रिंग बना के, मतलब स्ट्रिंग वाली वैल्यू के अंदर स्टोर करवा लो, ठीक है। फिर उसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न होके वापस ये इधर आएगी, एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगेगा, और फिर अपना जो पूरा फाइनल स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगी अपने आंसर के फॉर्म में, ठीक है। और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ आया और वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।